तो जो मैं सबसे पहले इसकी कटिंग करूँगा वो लोहे काटने वाले ब्लेड से करूँगा। हमने देख ही लिया है कि हमारी आरी भी इसमें प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है और हमारा ये लोहे काटने वाला ब्लेड भी इसमें प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल MZS Woodwork। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये रेलवे सीट जो आजकल फर्नीचर के भी पीछे लग रही है, तो हमने भी ये फर्नीचर के पीछे लगाई है। तो इससे मैं इसकी कटिंग काफ़ी पहले लेकर आना चाहता था। इसको काटने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये आरी से वगैरह से अगर हम काटना चाहते हैं इसको तो हमारी ये प्रॉपर तरीके से नहीं कट पाती है। इसको उस जगह पर लगाया जाता है जैसे कि हमारी दीवारों पर नमी होती है, दीमक वगैरह होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है इसकी। ये फुल वाटर प्रूफ होती है, काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप अपने फर्नीचर के पीछे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है कटिंग करने का। काफ़ी अच्छी कटिंग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको यही जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, न्यू कारपेंटर भाइयों के लिए भी, कि इसकी कटिंग किस तरह से होती है। ये रेलवे सीट है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अगर आप काम करते हो लकड़ी का तो आपने भी ज़रूर कहीं ना कहीं पर इसका यूज़ किया होगा। और हमने जो इसका यूज़ किया है वो फर्नीचर के पीछे किया है, किस चीज़ से इसकी सबसे ज़्यादा बेटर कटिंग होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी को भी दबा दें और ऑल पर क्लिक कर लें। सभी आने वाले लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेंगी और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जानकारी से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये 7 इंची की पट्टी रख ली है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरह से इसकी सबसे ज़्यादा जल्दी आप कटिंग कर सकते हैं। तो वैसे इसे काटने में ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो हम जो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं वो अपने लोहे की आरी वगैरह ब्लेड से करते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग करूँगा वो लोहे काटने वाले ब्लेड से करूँगा किस तरह से काटती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये काफ़ी लेट कटिंग हो रही है इससे हमारी, तो ये हमारा ये भी बेकार है इसके लिए। ये लोहे के वाला ब्लेड भी हमारा इस पर काम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आपने देख लिया, ये हमारा ब्लेड नहीं काम कर पा रहा है। उसके बाद हम अपनी आरी से और कटिंग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे हमारी जो हमारी आरी है ये काफ़ी सही इस पर फिर भी काम कर पा रही है। ये लोहे काटने वाला ब्लेड भी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और हमारी आरी काफ़ी अच्छा काम कर पा रही है। लेकिन इसमें आपका एक प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी आरी से ये सीट को काटते हैं तो हमारी आरी के दांते ख़राब हो जाते हैं और इसकी धार बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। क्योंकि मैंने इससे ट्राई किया हुआ है, मैंने इससे पहले लाइट ना आने की वजह से लाइट में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मशीन से नहीं काटने की जगह मैंने आरी से काट कर देखा था। लेकिन ये मैंने काट तो लिया था लेकिन आरी के दांतों में काफ़ी ज़्यादा, इसकी धार भी काफ़ी बेकार हो चुकी थी और ये आरी के दांते में भी काफ़ी फ़र्क आ गया था। तो ये मुझे ये दोनों चीज़ें बेकार लगी इसकी कटिंग करने के लिए। आप भी इस तरह की कटिंग इससे ना करें अपनी आरी से, क्योंकि आरी की भी धार बेकार हो सकती है। आरी की धार तो बेकार होगी और साथ साथ इसके दांते भी ख़राब हो जाएंगे। ना ही इसकी कटिंग आपकी ये लोहे काटने वाली आरी से हो सकती है और ना ही हमारी ये लकड़ी काटने वाली आरी से हो सकती है। ये सीट काफ़ी हार्ड होती है, वैसे ही 2 mm की सीट आती है, ये है पतली काफ़ी लेकिन ये हार्ड बहुत होती है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, ना अपनी आरी से इसको काटें और ना ही अपनी ये लोहे वाले ब्लेड से इसको काटें। अब मैं इसकी फाइनल जो कटिंग आपको करके दिखाता हूँ वो अपने कटर मशीन से करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कि हमारी आरी भी इसमें प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है और हमारा ये लोहे काटने वाला ब्लेड भी इसमें प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। तो अब जो इसमें लास्ट चीज़ बचती है वो हमारी बचती है कटर मशीन। तो ये 4 इंची वाली हमारी कटर मशीन है जो हमने ये साइड पर काम किया है और अपनी ये रेलवे सीट की कटिंग की है, ये हमने अपने वुडन वाले ब्लेड से ही की है जो हमारी कटर मशीन के अंदर प्लाई काटने के लिए लगाया जाता है। वुड वाले ब्लेड से ही रेलवे सीट की कटिंग काफ़ी ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो ब्लेड लगाएं, जब भी आप कोई नई साइड पर इसमें काम करते हैं तो अपना एक न्यू ब्लेड लगा लें, ये काफ़ी सारी सीटें एक ही ब्लेड काट देता है। और अभी तक हमने भी इससे करीब 5-6 सीटें काट ली हैं। दोस्तों मैं ये राइट एंगल से एक पीस आपको काट कर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने राइट एंगल लगा लिया है, आप भी इस तरह का सीधी कटिंग करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मैं इसको एक पीस काट कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप अपनी कटर मशीन की मदद से काफ़ी आसानी से रेलवे सीट की कटिंग कर सकते हैं। ये 2 mm वाली सीट आपको जो प्लाईबोर्ड की दुकान पर मिल जाती है, बाकी रेलवे सीट इससे भी मोटी मोटी आती हैं, काफ़ी मोटी आती हैं, तो उनकी जो कटिंग होती है ये हमारा नॉर्मल ब्लेड से नहीं हो पाती है, जिससे हम अपनी प्लाई को कटिंग करते हैं।
इस बिलेट से उस वाली सीट की प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाएगी। दोस्तों काफ़ी मजबूत सीट है ये, फुल वाटर प्रूफ है, कोई इसमें कोई झंझट नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं अपने फर्नीचर के पीछे। यही जानकारी पहुंचाने का था कि आप ये रेलवे सीट की जो कटिंग होती है किस तरह से आप करें, किस ब्लेड से करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रेलवे सीट है, इसका साइज जो आता है 8x4 का आता है, और ये जो हमने इसका पीस काट कर आपको दिखाया, आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी को भी दबा दें, ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।